रांची नामकुम के एनआरएचएम में एम्बुलेंस अनावरण का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि एनआरएचएम सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित किया गया और उन्हें रियल टाइम फीडिंग के लिए टैब प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि टैब में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की एएनएम मरीज की भर्ती का पूरा आंकड़ा पोस्ट करेगी। विभाग ने पिछले एक साल के कामकाज का लेखा जोखा आपस में शेयर किया है। ये तीनों फेज के दौरान हो सकता है आने वाले समय में भी कोई नया वेरिएंट आ जाए। हमने ये देखा है कि हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने अच्छा डेडिकेशन से काम किया है और इस कोविड के ट्रीटमेंट में सबसे जो हमारा एक मजबूत सपोर्ट रहा है वो आईटी की तरफ से रहा है, चाहे वो कोविन पोर्टल हो जिसमें हम लोग वैक्सीनेशन का करते हैं लोगों के बीच में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, या टेस्टिंग का हो, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट हो या ट्रूनेट से करें या रैट से करें, तो एक आईटी जो इसमें इंटीग्रेट किया गया स्प्रे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, तो इससे हमें फायदा है कि सारा फिगर्स हमारे एक क्लिक पे हमारे पास है। फेज टू और अभी फेज थ्री से पास कर रहे हैं और सभी सिचुएशन चाहे जिस तरह से भी हो हम लोग उसको फेस किए हैं, उसके बीच में संघर्ष करते हुए हम लोगों ने जीना सीखा है और हर परिस्थिति से उस पर विजय पाई है। तो इस फेज थ्री में भी जहाँ की हम लोगों को सीवियरिटी कुछ कम है तो इसमें भी हम लोग विजय पा ही लिए हैं, लेकिन ये तीनों फेज के दौरान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।